वो बहुत ही छोटा रास्ता है, वहाँ से सिर्फ एक ट्रक जा सकता है, अगर दो कार वगैरह तो अच्छे से निकल सकती है, पर अगर तो गाइज़ यहाँ पे मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना सब साथ में ले लिए हैं। तो गाइज़ आज हम लोगों को यवतमाल जाना है, आज मेरा पासपोर्ट वेरिफिकेशन होने वाला है, इसलिए मैंने मेरे साथ पूरे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 11th 12th की मार्कशीट वगैरह सब साथ में ले लिए। सो हे गाइज, माय नेम इज़ गौरव एंड यू आर वॉचिंग गौरव ठाकरे व्लॉग्स। मम्मी ने सुबह सुबह पोहे बना दिए और देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी देखते हैं खा के कैसा लगता है। तो दोस्तों 10th 10th 12th की भी बोर्ड सर्टिफिकेट मैंने साथ में ले ली है, पता नहीं कभी भी काम गिर सकता है। और ये सब डॉक्यूमेंट्स का मुझे अभी जेरोक्स निकालना है, उसके लिए पहले जेरोक्स सेंटर चलते हैं। तो दोस्तों उस दिन गाय वगैरह थी, आज बकरी ने हमारा रास्ता रोका है। तो गाइस जेरोक्स वगैरह निकाल लिया है, अभी हम यवतमाल के लिए सीधा निकलते हैं। One hour later. तो गाइज पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो गया है, तो यवतमाल में कुछ काम है तो वो हम अभी करने वाले हैं। अभी हम सुखकर्ता होटल में आए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो अभी कुछ खा लेते हैं, तो चलो मेरे साथ। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हैं और गार्डन भी बहुत अच्छा बनाया है यहाँ पे, तो चलो अंदर चलते हैं। तो गाइज अभी हमने वेज क्रिस्पी लिया है और इसी के साथ में हमने दो पांडव कौड़ा दाल भी ली है। आप बबलू भैया मिल गई ना अपनी दाल? हाँ ना, बहुत बढ़िया काम हो गया यहाँ, अपने दाल बोले तो पूरे इंडिया में फेमस है। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे बहुत से सेलिब्रिटी भी आए थे, जैसे कि मराठी सेलिब्रिटी मकरंद अनासपुरी भी यहाँ पे आके गए, गिरीश कुलकर्णी, ऐसे कुछ सेलिब्रिटी यहाँ पे आके गए, उन्होंने ये होटल के बारे में जो कुछ लिखा है वो यहाँ पे दिया गया है। तो इन्हीं के साथ हमारा भाई गौरव ठाकरे भी यहाँ पे आके गया है, तो कुछ सालों बाद मेरा भी ऐसी फोटो लग सकता है। अबे साले, खैर मैं तो मजाक कर रहा था। तो गाइस अभी हमारा खाना हो चुका है और अभी हम घर में वापस जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे हल्की हल्की बारिश चालू है और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे थोड़े गड्ढे वगैरह गिर गए हैं। अभी आपने जो रास्ता देखा ना तो वो बहुत ही छोटा रास्ता है, वहाँ से सिर्फ एक ट्रक जा सकता है, अगर दो कार वगैरह तो वो अच्छे से निकल सकती है, पर अगर दो बड़ी गाड़ी रहे तो वो नहीं निकल सकती। और वहाँ का रास्ता भी बहुत ख़राब हो चुका है, वहाँ पे बहुत सारे गड्ढे गिर गए हैं, पर पता नहीं ये लोग वो रास्ता नया क्यों नहीं बनाते। अभी उन्होंने जो गड्ढे थोड़े बहुत गिर गए थे उनको उन्होंने भरा, इतने सालों से यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, पर पता नहीं वो लोग उसको नया क्यों नहीं बनाते।
गाइज अभी अभी घर पे आया हूँ और बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, तो इसलिए वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। सो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप कमेंट भी कर सकते हो। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। गाइज मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हमारे चैनल गौरव ठाकुर ब्लॉग।